हेलो फ्रेंड्स, और आज बात करेंगे शेवी यानी कि शेवले स्पार्क के एसी फिल्टर की, कहाँ पे होता है और कैसे इसको आप क्लीन कर सकते हैं घर में ही। लॉकडाउन चल रहा है तो आप इजीली अपनी गाड़ी की सर्विस छोटी मोटी कर सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एसी फिल्टर शेवले स्पार्क का। तो चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है और इसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे है देख सकते हैं। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में जो हमारा ग्लोव बॉक्स है इसके अंदर होता है हमेशा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे जो स्क्रू हैं उनको ओपन करना है और फिर वो हमारा निकलेगा एसी फिल्टर। तो कैसे करना है चलिए बताता हूँ, शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ मैं एक दो बोल्ट खोल चुका हूँ और एक दो पड़े हुए हैं तो उनको खोलेंगे। और यहाँ पे सारे जो स्क्रू आप देख पा रहे होंगे सारे स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद ही हमारा ग्लू बॉक्स बाहर आएगा। इसके पीछे होता है हमेशा एसी फिल्टर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पेच खोलते समय पेच जो स्क्रू आप जिसे बोलते हैं वो अच्छी तरह रख लें। और एक यहाँ पे ग्लोव बॉक्स हमारा सीधे बाहर आ जाएगा और मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये निकल चुका है मेरा ग्लोव बॉक्स और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है हमारा एसी फिल्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी फिल्टर होता है इसका जो इसके अंदर लगा रहता है और कैप लगी रहती है। अभी मैंने वो फिल्टर वॉश करने के लिए रखा है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं सिंपली, उसके बाद इसका एक कवर आता है वो कवर लगा के आप बॉक्स बंद कर सकते हैं सिंपली। तो ऐसे आप घर में एयर फिल्टर अपना खुद साफ़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, आराम से क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा ख़राब है तो आप यहाँ चेंज करके यहाँ पर उसको सिंपल डाल के इसमें कैप लगा के बाहर से ग्लोव बॉक्स लगा सकते हैं जो मेरा ये रखा हुआ है अभी। तो मैं इसमें लगाऊंगा तो फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो एसी फिल्टर मेरा लग चुका है क्लीन होके, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लोव बॉक्स दोबारा लगा दूँगा और इसे फिट करने के बाद यहाँ पर जो जितने भी मेरे पेच हैं जिसे आप स्क्रू बोलते हैं वो लगा देंगे।